Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And we are nowadays discussing topics under the main heading of qualitative research methodology, means gunatmak research methodology, means anusandhan vishleshan, anusandhan ki vidhiyan. जिसमें कि हम ग्राउंडेड थ्योरी पे बात कर चुके हैं, पॉजिटिविस्टिक एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम के बीच में अंतर देखा जा चुका है. क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में हम लोगों ने अंतर देख लिया है. क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है उस पर बात हो गई है. अब हमको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजीज पे बात करनी है, किस तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है. तो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी पर आज बात करेंगे, और नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी एक अम्ब्रेला टर्म है इवन से, और उसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां आती हैं, या आप कह सकते हैं कि सारी विधियां कहीं ना कहीं नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी के अंदर आती है, क्योंकि हमको नेचुरल सेटिंग्स में ही अध्ययन करना होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में. तो लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा, और सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत सारे विषयों के लिए और एग्जामिनेशंस के लिए और आपके रिसर्च पर्पस के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा. सो लेट्स स्टार्ट. नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी क्या है? नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी इट इज एन अप्रोच, ये एक उपागम है टू अंडरस्टैंडिंग द सोशल वर्ल्ड, जिससे कि हम सामाजिक संसार को समझ सकते हैं. इन विच द रिसर्चर ऑब्जर्व्स, यानी कि रिसर्चर क्या करता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ऑब्जर्व करता है, प्रेक्षण करता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, इंटरप्रेट करता है, और अपने शब्दों में लिखता है क्या, अनुभव, द एक्सपीरियंसेस एंड एक्शंस ऑफ स्पेसिफिक पीपल एंड ग्रुप्स, विशिष्ट लोगों और समूहों के कार्यों को, उनके अनुभवों को इंटरप्रेट करता है. किस कंटेक्स्ट में? सोसाइटल और कल्चरल कंटेक्स्ट में, उनके सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के बीच में. इसीलिए ये नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है. क्यों? क्योंकि नेचुरल सेटिंग में करेंगे हम, रियल वर्ल्ड सेटिंग में करेंगे, कहीं किसी सेटिंग के संग कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है. It is a research tradition that encompasses qualitative research methods originally developed in anthropology and sociology. ये एक तरीके का research tradition है, और qualitative research method को अपने आप में समाहित किया हुआ है. और आप जितना आप ज़्यादातर देखिए तो उनकी शुरुआत आपको anthropology या sociology से मिलती है. anthropology में हमको मानव विज्ञान है ना, मानव विज्ञान मतलब किसी विशिष्ट हमको आदिवासी समूहों पर अध्ययन करना है, तो हम क्या करेंगे कि उनके बीच में जाकर आपको रहना पड़ेगा. वो खुद थोड़ी आएंगे आपको बताने के लिए कि हम ऐसे रहते हैं, या हम उनसे क्वेश्चनेयर भरवा के, उनसे कुछ रेटिंग स्केल पे टिक लगा के उनके बारे में नहीं जान सकते. हमको उनके बीच में रहना पड़ेगा. वो किस तरीके से उठते बैठते हैं, उनके वैल्यूज क्या हैं, ये अध्ययन करने के लिए हमको नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी या क्वालिटेटिव रिसर्च की शरण में ही जाना होगा. इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या तो आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरह से काम कीजिए, मतलब कि आप उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाइए और ऑब्जर्व कीजिए वो किस तरह से रहते हैं. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. एथनोग्राफिक मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं. केस स्टडीज होती हैं. ग्राउंडेड थ्योरी, हमने आपको बता दिया कि थ्योरी इमर्ज होगी डेटा से, और हमको पहले से नहीं पता है कि हमको कितना सैंपल लेना है, कितनी देर बात करनी है, कितने लोगों से बात करनी है. जब थ्योरेटिकल सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है तब हम डेटा कलेक्शन को रोकते हैं, और डेटा कलेक्शन और एनालिसिस और इमर्जेंस ऑफ थ्योरी, ये सब साइमल्टेनियस प्रोसेस है इन ग्राउंडेड थ्योरी, है ना, ये बात हो गई थी. अनऑब्ट्रूसिव मेथड्स एंड फील्ड रिसर्च मेथड्स, यानी कि इतना सब कुछ इसमें समाहित है. फिर वर्किंग इन द प्लेसेस वेयर पीपल लिव एंड वर्क, हमको कहाँ पर काम करना है, उन जगहों पे जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, उनकी नेचुरल सेटिंग में, वो एकदम एग्जैक्टली जैसे नेचुरली बिहेव करते हैं, वही हमको अध्ययन करना है, वही जानना है. नेचुरलिस्टिक रिसर्चर्स ड्रॉ ऑन ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज एंड अदर सोर्सेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव डेटा एज वेल एज देयर ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, यानी कि बहुत तरीके से हमको अध्ययन भी करना है और अपना एक्सपीरियंस उसमें इन्वॉल्व करना है. क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह से हमको डिटैच नहीं रहना है, हमको ऑब्जेक्टिव नहीं रहना है, क्योंकि हम रह भी नहीं पाएंगे और रहना वांछनीय भी नहीं है. हमको ही दिशा देनी है, हमको ही शेप करना है कि किस तरीके से इंटरव्यूज शेड्यूल किए जाएंगे, तो हम आप उससे डिटैच नहीं रह सकते. तो इससे क्या होगा? To create rich, evocative descriptions and interpretations of social phenomena. तो जो सामाजिक घटना जिसका हम अध्ययन करने गए थे उस पर हम कुछ रिच डिस्क्रिप्शन निकाल कर दे पाएंगे. नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी डिजाइंस आर वैल्यूएबल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. तो ये जो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी डिजाइन है किसके लिए ये मूल्यवान होती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, मतलब जिसमें हमको कुछ एक्सप्लोर करना हो, हमको कुछ निकालना हो, ढूंढना हो, पर्टिकुलरली व्हेन रेलेवेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स आर नॉट अवेलेबल और व्हेन लिटिल इज नोन अबाउट द पीपल टू बी इन्वेस्टिगेटेड. और विशिष्ट कब हो जाता है ये नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी? जब हम किसी ऐसी समूह पर अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका हमको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ज्यादा पता नहीं है, या उन जिन लोगों पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं उनको हम ज्यादा नहीं जानते या कम जानते हैं. ओके,
तो ये तो हुआ नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी का ताना बाना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं ही इसको खास बनाती हैं। यहाँ पर क्या है, द एम इज नॉट टू फाइंड अ रिप्रेजेंटेटिव केस फ्रॉम विच टू जनरलाइज फाइंडिंग्स टू अदर। बार बार ये बात की जा रही है कि जब भी आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे, तो वहां आपसे कहा जाता है कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तभी जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो उसको आप पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं। बट क्वालिटेटिव रिसर्च या नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी का ये उद्देश्य नहीं है कि हम कोई रिप्रेजेंटेटिव केस ले और उसकी फाइंडिंग को पूरे ग्रुप पे जनरलाइज कर दें। यहाँ पे क्या है, इट इज टू डेवलप इंटरप्रिटेशंस एंड लोकल थियरीज दैट अफोर्ड डीप इनसाइट इनटू द ह्यूमन एक्सपीरियंस। यानी कि जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका हमको कुछ गहरी अंतर्दृष्टि निकाल के रखनी है, इंटरप्रिटेशन करना है, लोकल थियरीज डेवलप करनी है, किसमें, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में। और नेचुरलिस्टिक रिसर्चर्स स्पेंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ टाइम इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद पार्टिसिपेंट्स। देखिए, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें डेटा कलेक्शन एक अलग हिस्सा होता है और एनालिसिस एक अलग हिस्सा होता है। डेटा कलेक्शन के लिए फील्ड में आप खुद जाइए या आपका क्वेश्चनेयर ही जाए सिर्फ, और वहां से जब डेटा कलेक्ट आ जाता है तब आप उसको बैठकर एनालिसिस करते हैं। तो ये बहुत बहुत लंबा काम ही होता है। अगर आपने मेल के थ्रू भेजा या कैसे भी भेजा तो क्वेश्चनेयर भरने में बहुत टाइम नहीं मिलता है, आप कभी कभी आधा घंटा रुक के भी क्वेश्चनेयर वापस ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये है कि बहुत मतलब टाइम टेकिंग काम ये नहीं है। लेकिन नेचुरलिस्टिक रिसर्च में क्या करना है, आपको किसी ग्रुप का अध्ययन करना है, कुछ विशिष्टता उनकी जाननी है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना है, तो लोग वहां जाकर रहते हैं उस आदिवासी समूह के साथ या उस विशेष ग्रुप के साथ, या बैंक, किसी खास बैंक के वर्कर्स का आप लाइफ स्टाइल वर्क प्लेस पे कैसे रहते हैं वो अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर समय देना पड़ेगा, है ना। तो नेचुरलिस्टिक रिसर्च स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय देना पड़ता है ताकि हम पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट कर, ऐसा थोड़ी कि हम किसी से पहली बार बातचीत करने बैठेंगे और वो अपना सब कुछ विशिष्ट अनुभव हमको शेयर करने लगेगा, नहीं। उससे लिए हमको उससे रैपो एस्टेब्लिश करना होगा, उसको ये एहसास दिलाना होगा कि हम उसको कोई हानि नहीं करने जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी हम उसको लीक नहीं करेंगे। ये सारी इथिक्स का जो कंसिडरेशन है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज्यादा है क्वान्टिटेटिव के मुकाबले, क्योंकि क्वान्टिटेटिव में हम ऐसी कोई जानकारी सीख ही नहीं करते हैं, है ना। यहाँ तो आप किसी का पर्सनल, एकदम किसी के पर्सनल जख्म, किसी की पर्सनल लाइफ को टच कर रहे हैं, तो ये बहुत इथिक्स का यहाँ पे इश्यू आता है। तो द रिसर्चर इज द रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कौन है, वही रिसर्चर है, वही टूल है, क्योंकि हम ही को बात करनी है, हम ही को क्वेश्चंस निकालने हैं, हम ही को उससे और आगे शेप देना है अपने इंटरव्यू को, फोकस ग्रुप डिस्कशन को, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो रिसर्चर है। तो रिसर्चर यहाँ क्या है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, इंगेजिंग in daily activities and conversations with group members to understand their experiences and points of view. Within this tradition, language is considered a key source of insight into socially constructed worlds. देखिए, language की बहुत महत्ता है, कैसे बोला जा रहा है, किस लहजे में बोला जा रहा है, टोन। हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमको हर चीज रिकॉर्ड करनी है, ये हो सकता है कि शब्द सही निकले हैं लेकिन टोन गलत निकला, हो सकता है कि उस का देश काल परिस्थिति में वैसा बोलना उचित माना जाता है। मतलब लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्वालिटेटिव रिसर्च में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑल्दो फोकस्ड ऑन वर्ड्स नैरेटिव्स एंड डिस्कोर्स, नेचुरलिस्टिक रिसर्चर्स लर्न थ्रू ऑल ऑफ देयर सेंसेस, दे कलेक्ट डेटा एट द फॉलोइंग एक्सपीरियंशियल लेवल्स। सॉरी, यानी कि वो शब्दों पे, नैरेटिव्स पे और डिस्कोर्स पे ही निर्भर करता है, लेकिन हमको हर अपने एक सेंस ऑर्गन से डेटा कलेक्ट करना है, हर लेवल पे कलेक्ट करना है, कॉग्निटिव लेवल पे, सोशल लेवल पे, इफेक्टिव, फिजिकल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, सब कुछ हमको ध्यान देना है, तभी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक हम रिसर्च कर पाएंगे, तभी हम बता पाएंगे कि उस विशेष संदर्भ में उसका क्या अर्थ है, है ना। विदाउट कंटेक्स्ट क्वालिटेटिव रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। नेचुरलिस्टिक रिसर्च डिजाइंस डेवलप ओवर टाइम एज रिसर्चर्स फॉर्मुलेट न्यू अंडरस्टैंडिंग्स एंड रिफाइन देयर रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस, जो हमारी रिसर्च प्रोसेस चलती रहती है, नेचुरलिस्टिक रिसर्चर्स मॉडिफाई देयर मेथोडोलॉजिकल स्ट्रेटजीज। मतलब कोई भी चीज हम लोग पहले से तो पूरा फूल प्रूफ प्लान बनाकर चल ही नहीं सकते कि हमको ऐसे ही चलना है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रिसर्च प्रोग्रेस करती है, रिसर्चर को मेथोडोलॉजिकल स्ट्रेटजीज मॉडिफाई करते रहना चाहिए कि क्या वर्क किया, क्या वर्क नहीं किया, किस दिशा में जाए तो बेहतर डेटा मिल पाएगा, एंड ऑल टू ऑब्टेन द काइंड्स ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू शेड लाइट ऑन मोर फोकस क्वेश्चंस, ताकि हमको उस तरीके का डेटा मिल सके, ताकि जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके हमको आंसर मिल सके। यही तो उद्देश्य है हमारा।
फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है, किन मूलभूत जो आपके आप कह सकते हैं दार्शनिक मुद्दों पर ये आधारित है। ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड्स रेस्ट ऑन फिलोसॉफिकल अजम्पशंस एसोसिएटेड विद लॉजिकल पॉजिटिविज्म। हम लोगों ने बात कर ली कि जितना भी आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे चलता है, मतलब एम्पेरिकल होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, जो है वो है, हम उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसका जनरलाइजेशन होना चाहिए, ये सब। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिविटी इज अटेन्ड थ्रू दी हमको क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, रिसर्चर को ऑब्जेक्टिव रहना है, यानी कि उसको अपना सेल्फ इंक्लूड नहीं करना है रिसर्च में। ऑब्जेक्टिविटी अटेन कैसे होगी, सेपरेशन ऑफ द रिसर्चर फ्रॉम पार्टिसिपेंट, यानी हमारा पार्टिसिपेंट से कोई लेना देना ना हो, या हम जाएं भी तो उनको सिर्फ पकड़ा दें अपना कि ये हमारा है, आप हमको भर के दे दीजिए। एंड बाई द डिस्पैशनेट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। बट इन कंट्रास्ट नेचुरलिस्टिक रिसर्चर क्या करता है, टैप इनटू देयर ओन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एज अ सोर्स ऑफ डेटा। यहाँ हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी एक सोर्स ऑफ डेटा का काम करता है, सीकिंग एक्सपीरियंसेस दैट विल अफोर्ड देम एज देम एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमेना थ्रू एम्पैथी एंड सब्जेक्टिविटी। यानी हमको एम्पैथी भी लानी है, हमको हम किसी से बहुत ही किसी के दुख दर्द का हिस्सा शेयर कर रहे हैं और हम बिल्कुल डिटैच होकर उससे बैठे रहेंगे तो वो बताएगा नहीं बताएगा, हमको उससे एम्पैथी शो करनी होगी, हमको अपना बायस खत्म करना होगा, हमको वैल्यूज खत्म करनी होगी कि क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब तो डेटा मिलेगा, तब तो वो पार्टी वो आपका जो सब्जेक्ट है वो खुलेगा आपसे और शेयर करेगा। फॉर द नेचुरलिस्टिक इंक्वायरर ऑब्जेक्टिविटी एंड डिटैचमेंट इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल। देखिए, संभव भी नहीं है और वांछनीय भी नहीं है कि हम ऑब्जेक्टिव रहें और अपने पार्टिसिपेंट अपने जो हमारा सब्जेक्ट है उससे हम डिटैच रहें। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स आर टिपिकली फार लेस कंसर्न अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, हम ऑब्जेक्टिविटी के चक्कर में ही नहीं पड़ते हैं, एज दिस टर्म इज अंडरस्टूड विद इन ट्रेडिशनल रिसर्च अप्रोचेस देन विद इंटर सब्जेक्टिविटी। इसके बजाय हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी की, मतलब सब्जेक्टिविटी भी नहीं है, इंटर सब्जेक्टिविटी है, दो लोगों के बीच में है। इंटर सब्जेक्टिविटी इज द प्रोसेस बाई विच ह्यूमन शेयर कॉमन एक्सपीरियंसेस, हम उनसे बताएं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या हमने भी कभी ऐसा शेयर किया, हमने भी कभी ये दुख झेला है, हमारा भी ये अनुभव है, तब सामने वाला खुलता है और आपसे शेयर करता है अपनी चीजें। अगर हम उसे कहेंगे कि नहीं हमारे संग तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तुम आपके संग इसलिए हुआ है कि जरूर आपकी कोई गलती होगी, तो कभी कोई आपसे शेयर नहीं करेगा। एंड सब्सक्राइब टू शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रियलिटी। देखिए, रियलिटी भी की अंडरस्टैंडिंग्स भी शेयर्ड होती है, कि हमने भी वही महसूस किया जो आपने महसूस किया। नेचुरलिस्टिक रिसर्चर्स सीक इन्वॉल्वमेंट एंड इंगेजमेंट रादर देन डिटैचमेंट एंड डिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो इन्वॉल्व होता है, वो इंगेज होता है अपने इंटरव्यूई के साथ, और उसको डिटैचमेंट और डिस्टेंस नहीं शो करनी है। They believe that humans are not rational beings and cannot be understood adequately through objective disembodied analysis. यानी कि जो naturalistic researcher है वो ये मान के चलते हैं कि जो humans हैं वो कोई rational being नहीं है और उनको हम कतई पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्टिव तरीके से चलें तो, क्योंकि वो सो कॉम्प्लेक्स एंड दे आर सो अनप्रिडिक्टिव ह्यूमंस, है ना। फिर और क्या, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स रिजेक्ट डिटर्मिनिज्म, हम डिटर्मिनिज्म को भी रिजेक्ट करते हैं, मतलब सुनिश्चित है कि यही है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता है। द आइडिया दैट ह्यूमन बिहेवियर्स आर लॉफुल एंड कैन बी प्रिडिक्टेड, कभी भी आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस दशा में कौन ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करेगा। ट्रेडिशनल साइंटिस्ट क्यों, क्योंकि कंटेक्स्ट बदल जाता है तो बिहेवियर भी बदल जाता है। ट्रेडिशनल साइंटिस्ट ट्राई टू डिस्कवर रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स दैट रिमेन कंसिस्टेंट अक्रॉस इंडिविजुअल्स बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। जो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्चर है वो जो रिलेशनशिप डिस्कवर करता है किसके बीच में, चरों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, और ये मान के चलता है कि ये जो वेरिएबल है रिमेन कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे अक्रॉस इंडिविजुअल्स, चाहे इंडिविजुअल्स बदल जाएं, बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, यानी एक्सपेरिमेंटल सेटिंग के बियॉन्ड भी, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च या नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में ये नहीं है, ये माना ही नहीं जाता, ये अजम्पशन ही नहीं है हमारा। फिर नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी रेस्ट ऑन द बिलीव दैट स्टडिंग ह्यूमंस रिक्वायर डिफरेंट मेथड्स देन दोज यूज्ड टू स्टडी द मटेरियल वर्ल्ड। आप जानेंगे कि नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी पे सबसे बढ़िया काम लिंकन गूबा का है, तो उनका बहुत जब किताब अपनी लिखनी वो शुरू करते हैं तो उसमें बहुत उनका पहले यही आर्ग्यूमेंट है कि हम कैसे ह्यूमंस को वैसे ही उन्हीं मेथड से स्टडी कर सकते हैं जैसे आप नॉन ह्यूमन को स्टडी कर रहे हैं, ये संभव ही नहीं है, आपको दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। दैट्स वाई कि वो क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, वो नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी की बात करते हैं। द फिनोमेना ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट टू नेचुरलिस्टिक रिसर्चर्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड मल्टीपल रियलिटीज। रियलिटीज यहाँ मिसिंग हो गया है, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का मुद्दा है नेचुरलिस्टिक रिसर्चर के लिए वो क्या है कि जो रियलिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, पहली बात तो जो यथार्थ है वो समाज द्वारा निर्मित है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, कभी हमारा किसी के संग रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट नहीं रहता, कभी अच्छा
अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है, कभी बहुत बुरा रहता है, कभी बहुत अच्छा रहता है, चेंज होता रहता है। और मल्टीपल यानी कि मैं जिस लिहाज से देखती हूँ वैसा आप नहीं देखते हैं, जैसा आप देखते हैं वैसे मैं नहीं देखती हूँ। फिर नेचुरलिस्टिक रिसर्चर्स होल्ड दैट ऑल ह्यूमन फिनोमेना अकर विद इन पर्टिकुलर कंटेक्स्ट एंड कैनॉट बी इंटरप्रेटेड और अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम दीज कंटेक्स्ट। किसी भी दो व्यक्ति की बात आप विदाउट कंटेक्स्ट नहीं समझ सकते, और उनका कंटेक्स्ट उनके नजरिए से देखना पड़ेगा आपको, आप अपने नजरिए से उनका कंटेक्स्ट या उनका व्यू पॉइंट नहीं देख सकते, ये नेचुरलिस्टिक रिसर्चर्स मानकर चलते हैं। कॉमन अजम्पशन इनकी क्या है, तीन मुख्य जनरल मूलभूत मान्यताएं इसकी क्या है, नेचुरलिज्म, फिनोमेनोलॉजी और इंटरप्रेटेड नेचर ऑफ नेचुरलिस्टिक रिसर्च। नेचुरलिज्म मतलब कि हमको कैसे स्टडी करना है, कंटेक्स्ट में, रियल वर्ल्ड सेटिंग में, नेचुरल वर्ल्ड सेटिंग में। फेनोमेनोलॉजी क्या कहती है, फेनोमेनोलॉजी कहती है कि द बिलीव दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्जामिन विदाउट एनी प्री कंसीव नोशंस और एक्सपेक्टेशंस। यानी कि जिसको हम जिसका पर अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, हमको कोई नोशन लेके नहीं चलना है कि वो ऐसा करते हैं या वो ऐसा क्यों करते हैं या वो गलत करते हैं या सही करते हैं। हमको विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन जाके उनको एक्सपीरियंस करना है वो फिनोमेना। फिर प्री सपोजिशन लेस रिसर्च, मतलब रिसर्चर मेक्स हिज और हर ओन नॉर्म्स, वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी अपेरेंट एंड डज नॉट अज्यूम दे आर शेयर्ड। मतलब हमको प्री सपोजिशन नहीं करना है। फिर इंटरप्रेटिव नेचर ऑफ नेचुरलिस्टिक रिसर्च में क्या है कि दे बिलीव दैट द रिसर्चर व्हाइल ट्राइंग टू सी द सिचुएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज स्टडी कैन नॉट एस्केप हिज और हर ओन व्यू। यानी कि हमको इंटरप्रेटिव रहना है, यानी कि हमारी रिफ्लेक्सिविटी आएगी, हमारी सब्जेक्टिविटी आएगी, हमारी इंटर सब्जेक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी, किसमें, रिसर्च में, यानी कि डेटा कलेक्शन में, डेटा एनालिसिस में और थ्योरी के इमर्जेंस में भी। मतलब हमको आपके एंगल से देखना है लेकिन हमारा एंगल उससे डिटैच नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो उसका हिस्सा बनेगा। फिर से आ गया डिफरेंस विद रेशनलिस्ट पैराडाइम, इसकी बात बार बार हो गई लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये आपको पता होना चाहिए। देखिए लिंकन गुबा की किताब से लिया गया है ये कह रहे हैं कि रेशनलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक, मतलब उन्होंने कहा कि रेशनलिस्टिक पैराडाइम से आप नॉन ह्यूमंस को स्टडी करते हैं पर ह्यूमंस के लिए आपको नेचुरलिस्टिक पैराडाइम लेना होगा। फिर कहाँ कहाँ अंतर है, अगर हम एक्सियम की बात करें तो रैशनलिस्टिक पैराडाइम और नेचुरलिस्टिक पैराडाइम में रियलिटी को अगर एक्सियम माने तो रैशनलिस्टिक पैराडाइम क्या कहता है कि रियलिटी क्या है, सिंगल है, टेंजिबल है, कन्वर्जेंट है, फ्रेगमेंटेबल है, यानी कि एक ही है, कहीं से भी आप 360 डिग्री में उसको देखिए। लेकिन नेचुरलिस्टिक पैराडाइम कहता है कि ये मल्टीपल है, इनटेंजिबल है, डाइवर्जेंट है, होलिस्टिक है। इंक्वायरर या रेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप क्या है कि हम जो है रेस्पॉन्डेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है लेकिन नेचुरलिस्टिक पैराडाइम में इंटर रिलेटेड है, यानी कि रिसर्चर और जिस पर रिसर्च की जा रही है वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। फिर नेचर ऑफ ट्रूथ स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कंटेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन है, जो है सो है, वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप, उसमें कोई कंटेक्स्ट नहीं आता है, बट यहाँ पे कंटेक्स्ट बाउंड वर्किंग हाइपोथेसिस है। फिर एट्रीब्यूशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्शन देखें तो यहाँ रियल कॉजेज हैं, टेम्परली, प्रेसिडेंट और साइमल्टेनियस, मैनिपुलेबल, प्रोबेबिलिस्टिक, और यहाँ एट्रीब्यूशनल शेपर्स हैं, इंटरैक्टिव है, नॉन मैनिपुलेटिव है, प्लॉजिबल है, और रिलेशन ऑफ वैल्यूज टू इंक्वायरी, ये वैल्यू फ्री है, यानी कि हमने जब कोई कंटेक्स्ट ही नहीं दिया, हमने कोई संदर्भ सहित व्याख्या नहीं कर रहे हैं तो वैल्यू से फ्री है, मतलब अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन नेचुरलिस्टिक पैराडाइम में वैल्यू बाउंड है, हमको उनकी वैल्यूज के हिसाब से देखना पड़ेगा जिन पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ओके, देन कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूड करना चाहें नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी को, हमको समझ में आ गया कि हमको इम्पैथी शो करनी है, हमको न्यूट्रल सेटिंग में करना है, हमको इमर्सिव होना है, मतलब इमर्स करना है अपने आप को, हमको रिफ्लेक्सिविटी शो करनी है, हमको इंटर सब्जेक्टिविटी शो करनी है, हमको थिक डिस्क्रिप्शन देना है, और हम ये बातें पहले ही कर चुके हैं कि इवेल्युएटिव क्राइटेरिया क्या होगा क्वालिटेटिव रिसर्च का, कैसे इंटरनल रिलायबिलिटी, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात की जाती है, ये बात पहले हो गई है। फिर कंक्लूड कैसे करें कि नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी अटेम्प्ट्स टू डॉक्यूमेंट एंड टू फिक्स अ प्लेस फॉर ए फॉर्म ऑफ इंक्वायरी विच वुड बी अ जेन्युइन अल्टरनेटिव टू पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस मेथोडोलॉजी। यानी कि पॉजिटिविस्टिक सोशल साइंस मेथोडोलॉजी का है कि हमको जेन्युइन अल्टरनेटिव ढूंढना है या उसका प्रयास है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। फिर शोइंग हाउ साइंस इज लिमिटेड बाई इट्स डोमिनेंट मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब साइंस की लिमिट्स है ना, साइंस अनलिमिटेड नहीं है, सब कुछ साइंस नहीं बताता है हमको। तो लिंकन एंड गुबा ने इसीलिए एक अल्टरनेटिव पैराडाइम दिया, वो कह रहे हैं नेचुरलिस्टिक से करिए ह्यूमंस पर स्टडी रादर देन रैशनलिस्टिक, इसीलिए उन्होंने रैशनलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक का अंतर बताया। इन विच द इन्वेस्टिगेटर अवॉइड्स मैनिपुलेटिंग रिसर्च आउटकम्स, यानी कि जो नेचुरलिस्टिक रिसर्च है उसमें जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो किसी भी प्रकार के रिसर्च आउटकम को मैनिपुलेट नहीं करता, जो निकल के आया वही निकल के आया। ए पैराडाइम शिफ्ट इज अंडर वे इन मैनी फील्ड्स, तो रैशनलिस्टिक से नेचुरलिस्टिक आने में कई तरीके से पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, कैसे कैसे,
द डिफरेंट अजम्पशंस ऑफ द टू अप्रोचेस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रियलिटी चेंज हुआ ना, वहाँ पे सिंगल था या मल्टीपल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन चेंज हुआ, वहाँ इंडिपेंडेंट था यहाँ इंटरडिपेंडेंट है, द पॉसिबिलिटी ऑफ जनरलाइजेशन चेंज हुआ, द कंसेप्ट ऑफ कॉजेलिटी, क्योंकि जो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च चलते हैं तो हम कॉज इफेक्ट बताते हैं कि किसकी वजह से क्या हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कहाँ नेचुरलिस्टिक में, एंड द रोल ऑफ वैल्यूज, और जब भी हम कंटेक्स्ट की बात करेंगे तो वैल्यू की बात तो आएगी, वैल्यू लेडन हो जाएगा ये. ओके तो इन दिस मैनर आई हैव कंप्लीटेड नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी. बहुत इसको पढ़ना चाहें तो आप डीप में पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी इसकी थीम समझने के लिए आई थिंक कि इतना पर्याप्त है कि ये नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है. तो आप कह सकते हैं कि सारी सारी प्रकार की क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आप यूज करें वो सभी नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हम सबको रियल वर्ल्ड सेटिंग में ही अध्ययन करते हैं. फिर इसके अंतर्गत आप एथनोग्राफी पढ़िए, एथनोमेथोडोलॉजी पढ़िए, फोकस ग्रुप डिस्कशन पढ़िए, सब इसके अंतर्गत ही आएगा. तो अगली बात हम एथनोग्राफी पे करेंगे. ओके So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education and join my Telegram group too. Okay, done from my side.